इस वीडियोस को स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी दीपावली। दीपावली के शुभ अवसर पे ये गूगल पे ऐप में एक मस्त सी ऑफर आई हुई है जिसे आप सभी यूजर ट्राई करोगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, 4 से 5 मिनट लगेगा इस वाले ऑफर को ट्राई करने में, और आपको बस यहाँ पर पता है 501 सगुन कैसे भी करके कलेक्ट करना है। अब कलेक्ट इतना आसान है मेरे दोस्त कि 4 से 5 मिनट में आप 501 सगुन कलेक्ट कर लोगे। उसका एक लाइव एग्जांपल ट्रिक्स मैं आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा। बोलिए 501 सगुन कलेक्ट करने के बाद ना आपको एक स्क्रेच कार्ड मिलेगा जिसमें अप टू 500 रुपए के बीच में कोई सा भी कैशबैक अमाउंट मिलेगा जो आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएगा। वेल, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सगुन वाली जो गूगल पे में सगुन की ऑफर आई हुई है इसके एक ऐसी जबरदस्ती ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसे आप 4 से 5 मिनट में ही इस टास्क को कंप्लीट कर लोगे। वेल, उस ट्रिक्स का सबसे पहले आप एक छोटा सा प्रूफ देखो। अभी मेरे वॉलेट में देखो 151 सगुन थे, और मैं आपको भी डिटेल बता दूंगा कि ये गूगल पे क्या है, सगुन का कौन सा ऑफर है। लेकिन इसी सगुन ऑफर से ट्राई करके गाइस आप 500 रुपीज के कैश इंस्टेंट कमा पाओगे कुछ ही मिनट में। अब यहाँ पर जस्ट मैंने यहाँ पर इस वाले ऑफर में क्या क्या हुआ था, एक क्विज आया हुआ था, जस्ट आपको इसका आंसर देना था। मैंने राइट आंसर दिया, मुझे 100 सगुन मिल गए। अब देखो ये इंस्टेंट 100 सगुन मेरे अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट हो गया। फिर से बैक प्लेस किया, एक सैमसंग का गेम था, देखो गेम कितना इजी, इसी गेम को खेलने के बाद मुझे 100 सगुन और मिल गए। अब मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट आप लोग देखो 351 सगुन हो चुके हैं। फिर से बैक प्लेस किया, एक वीजा का ऑफर था, क्या गेम था ये, इतना आसान सा गेम था। इस गेम को प्ले करने के बाद 100 सगुन मुझे और मिल गए, 451 सगुन हो गए। अब मैं बैक प्लेस करूं, यहाँ पर एक कॉटेड करके गेम था। अब इस गेम में भी आप बिलीव करो, देखो यहाँ पर मैं जितना स्कोर कर रहा हूँ उतना मुझे सगुन मिल रहा है। अब यहाँ पर इसको भी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर से भी मुझे 100 सगुन मिल गया। अब उसके बाद पता है मेरा जो रिवार्ड था, जो यहाँ पर कहा गया था कि अगर आप 501 सगुन कलेक्ट कर लेते हो तो आपको एक स्क्रेच कार्ड मिलेगा जिसमें अप टू 500 रुपए के बीच में कोई सा भी अमाउंट मिल सकता है। तो फाइनली यहाँ पर क्लेम रिवार्ड लिखा हुआ है, मैंने सिंपली क्लेम रिवार्ड पे टैप किया। अब क्लेम रिवार्ड पे टैप करने के बाद अनबॉक्सिंग योर रिवार्ड आया। अब यहाँ पर देखो 4 से 5 मिनट में ऑफर को ट्राई करने के बाद मुझे एक स्क्रेच कार्ड मिला। अब इस स्क्रेच कार्ड में कौन सा अमाउंट निकलेगा वो भी आप लोग देखो। यूं मैं इस वाले स्क्रेच कार्ड को स्क्रेच करता हूँ, यहाँ पर मुझे 88 रुपीज का कैशबैक मिला। अब ये 4 से 5 मिनट प्रॉफिट को ट्राई करने के बाद जब आपको 88 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, यूं मैंने आप लोगों को कहा अप टू 500 रुपए तक का कैश रिवार्ड इस वाले स्क्रेच कार्ड में है। अब चलो डिटेल में बात करते हैं इस वाले जीपे ऐप की सगुन ऑफर के बारे में। देखो हाल ही में जीपे ऐप में एक नई सी ऑफर आई हुई है जो आई थिंक बहुत सारे यूजर को पता है। आप अपने गूगल पे ऐप्स को ओपन करो, यहाँ पर से फेस्टिवल पे आप लोग जब टैप करोगे तो यहाँ पर से ये फेस्टिवल का ऑफर आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप 501 सगुन कलेक्ट करते हैं तो आपको एक स्क्रेच कार्ड मिलेगा। अब आप यूजर इस वाले ऑफर को कैसे ट्राई करोगे, मैंने कहा 4 से 5 मिनट छोड़ो, 2-3 मिनट में इस वाले टास्क को कंप्लीट कर लोगे। बट उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरीके के ऑफर्स के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट टाइम जो लूट ऑफर्स रहते हैं उनका अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम पे सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ। गूगल पे में रिसेंटली रंगोली का ऑफर आया हुआ था जहाँ पर हमारे बहुत सारे मेंबर्स को लिंक शेयर करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड ग्रुप क्रिएट कर रखा है जहाँ पर आप सभी यूजर अपने लिंक को शेयर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्लिक, ज्यादा से ज्यादा हेल्प लेकर के जल्द से जल्द आप रंगोली के टास्क को कम्प्लीट कर सकते हो। ऐसे और भी अमेजिंग ऑफर टेलीग्राम पे अवेलेबल है, लिंक मैंने आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर टैप करके आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। आप अपने गूगल पे ऐप्स को ओपन कीजिए, फेस्टिवल सिटी करके ऑफर मिल जाएगा, इस पे सिंपली टैप कीजिए। आप टैप करेंगे, आप नए यूजर रहेंगे, कोई सा भी सगुन आपके अकाउंट में रहेगा, 100, 200, 150 कुछ भी सगुन मिलेगा। लेकिन इसी सगुन को कंप्लीट करके आपको एक स्क्रेच कार्ड मिल रहा है तो उसे छोड़ क्यों रहे हो। अब देखो मेरे पास 131 सगुन है, अब आपको और ज्यादा सगुन कैसे मिलेंगे वो देखो। अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है जहां पर अगर मैं इस पे टैप करूं तो मुझे 100 सगुन इंस्टेंट मिल जाएगा, तो इस पे मैं टैप करता हूं। अब देखो मैं जैसे जैसे कर रहा हूं ना, वैसे आप अपने घर के सभी मोबाइल जहां जहां गूगल पे के अकाउंट है सब में आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पास स्टार्ट का बटन है, मैंने यहाँ पर स्टार्ट के बटन पे टैप किया। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्विज आई थिंक प्ले होगा,
अब यहाँ पर एक रमी करके ये कार्ड से जिसका एक आंसर मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस वाले क्विज का जो आंसर है वो है 13 कार्ड, जो मैंने आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई थिंक मैं दे दूंगा, या तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके भी आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो ये करने के बाद मुझे इस वाले अकाउंट में 20 सेकंड्स मिल गए, तो मैं यहाँ पर व्यू रिवार्ड के बटन पे टैप करता हूँ। अब टैप करने के बाद एक स्क्रेच कार्ड मिली हुई है, आप इन्हें स्क्रेच कर दो, अदरवाइज यहाँ पर से बैक प्लेस कर लो। मैं इसे फिर से एक बार बैक प्लेस करता हूँ, एक बार अगेन बैक प्लेस करता हूँ। अब यहाँ पर कुछ ही टाइम के बाद 20 शो किया गया था, बट यहाँ पर 100 सेकंड मुझे मिल चुके हैं। अब आप देखो यहाँ पर मल्टीपल ऑफर है। अब यहाँ पर देखो एक वीजा का गेम है, अगर मैं इसको प्ले करूँ तो 100 सगुन मुझे यहाँ पर मिलेंगे। सैमसंग का एक गेम है, अगर मैं इसको प्ले करूँ तो 100 सगुन मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं कह नहीं रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। ये मैं वीजा वाले पे टैप करता हूँ। अब यहाँ पर जब आप लोग वीजा वाले गेम पे टैप करोगे ना, तो कहा जाएगा कि आप अगर यहाँ पर इस वाले सिंबल पे टैप करते हैं तो आपको 10 प्लस मिलेंगे, अगर आप इस पे टैप करते हैं तो 30 प्लस आपको स्कोर्स मिलेंगे। गलती से अगर आपने हरे वाले पे टैप कर दिया तो आपका 5 माइनस हो जाएगा। तो ये चीज को आप अच्छे से रीड कर लो एंड उसके बाद स्टार्ट के बटन पे टैप करो। मैं पूरा एक्टिव हूँ इस गेम को खेलने के लिए, मैंने फिलहाल अभी यहाँ पर से नॉर्मल मोड में इसको प्ले किया है। गलती से हरे वाले पे टैप मत करना, अदरवाइज माइनस होता जाएगा 5-5 करके या जो भी। तो यहाँ पर फिलहाल मैं अपने स्कोर को जितना हो सके मैं उतना इम्प्रूव करता हूँ। टाइमर अप हो चुका है, मेरा स्कोर है 1080, 100 सगुन मुझे यहाँ पर से भी मिल चुका है। गॉट इट के बटन पे मैं टैप करता हूँ, उसके बाद यहाँ से मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लीव करता हूँ, डायरेक्टली होम पेज पे एंटर हो जाता हूँ। 331 सगुन यहाँ पर हो चुके हैं। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, सैमसंग का एक और गेम मेरे पास बचा हुआ है, इसको भी कम्प्लीट करने के बाद कहा जा रहा है कि आपको 100 सगुन तक मिल सकते हैं, तो इस पे टैप करता हूँ। अब देखो सिंपल सा गेम है, जितना टफ आप लोगों को लग रहा है उतना कुछ भी नहीं है। इतनी इजी सी गेम्स को खेलने के बाद आप सभी टास्क को कम्प्लीट कर पा रहे हो। वेल यहाँ पर अब इसे मिलाना है, जो आप कैंडी क्रश जैसे गेम्स को खेलते हो उसी तरीके से इन सभी टास्क को आप लोगों को कम्प्लीट करना है। अब देखो ये कंप्लीट करने के बाद मुझे 100 सगुन यहाँ पर से भी मिल चुका है। मैं यहाँ पर गॉट इट के बटन पे टैप करता हूँ, उसके बाद मैं एक बार यहाँ पर से इस वाले भी कॉन्टेस्ट से या इस वाले क्विज से भी बैक प्लेस करता हूँ। 431 सगुन अभी जस्ट मैंने आप लोगों के सामने गैन किया। अब मुझे बस केवल 60 से लेके 80 सगुन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर ये एक गेम है जो अभी मैंने आप लोगों को प्ले करके दिखाया था, अगर मैं बस इसको प्ले कर लेता हूँ ना तो ये मेरा पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बस यहाँ पर स्टार्ट के बटन पे टैप करता हूँ एंड स्टार्ट के बटन पे टैप करने के बाद थोड़ा सा कुछ टाइम्स का वेट करता हूँ, गेम अच्छे तरीके से मेरे पास लोडिंग नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आपके सामने एक क्विज आएगा, इसका आंसर आप लोगों को इस वाले थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब थर्ड ऑप्शन में आप लोगों को कह रहा हूं तो डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन नहीं, ये जो आंसर पे मैंने टैप किया उसी आंसर पे आप लोगों को टैप करना है, क्योंकि अलग अलग फोन्स में क्विज आंसर ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब मैं यहाँ पर गॉट इट के बटन पे टैप करता हूँ, मे बी अब मुझे जो लगता है ये जो सगुन वाला टास्क था ये कम्प्लीट हो चुका होगा। मैंने बैक प्लेस किया, अब देखो आप सभी यूजर के सामने मैंने 501 सगुन इंस्टेंट कलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मेरे पास एक स्क्रेच कार्ड मिले हुए, मैं इस वाले स्क्रेच कार्ड पे टैप करता हूँ, क्लेम योर रिवार्ड आया, उसके बाद अनबॉक्सिंग योर रिवार्ड, कुछ ही टाइम्स का वेट करना है। अब देखता हूँ इस वाले डिवाइस में या इस वाले स्क्रैच कार्ड में मुझे कौन सा अमाउंट देखने को मिलता है। मैं आप लोगों के सामने इसे स्क्रैच करूं एंड यहाँ पर मुझे 41 रुपीज का कैशबैक मिला हुआ है। वेल आप अपने लक को ट्राई कर सकते हो, मैंने आप लोगों को एक केवल 61 रुपीज का या 62 रुपीज का मैं आप लोगों को स्क्रैच कार्ड नहीं दिखा रहा हूँ, हमारे बहुत सारे मेंबर्स को अप टू 400-500 रुपीज का भी कैशबैक मिल रहा है इस वाले सगुन के ऑफर में। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द इस वाले ऑफर को ट्राई कीजिए, और ट्राई करना कितना ईजी है मैंने आप लोगों के सामने लाइव जब ट्राई करके दिखाया तो आपको भी पता चल चुका होगा। ये गूगल पे की सगुन की ऑफर थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, इसी तरीके के फ्यूचर्स में आप और वीडियोस वॉच करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाले फ्यूचर में मैं अपने चैनल पे किसी भी टाइम एक नई वीडियोस अपलोड करूं, एग्जैक्ट उसी टाइम उस वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाए। आज वाले इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक्साइटेड वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।